प्रणाम जी सुंदर साची। इन मोहल सुख रूहों की और सुख घाटों चार, हाय हाय क्यों जाए हमें रात दिन इस सुख बैठी रूही हार। पूछ पुसर ताल की अपरंपार सुख, टापू महल के सुख, चारों घाटों के सुख, हीर कराई देहरियों के सुख, कटिपाल के सुख, बेशुमार सुख, और हमारा दिन रात माया में बीत रहा है। हम परम धाम के सुखों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और परम धाम की 25 पक्षों की प्रेममयी चितवनी ही हमें परम धाम के सुखों की लज्जत देती है। श्री राज जी फिर फिर सरू श्रृंगार का वर्णन, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन रूहों के वास्ते कर रही हैं। उनकी मेल से शोभा देखते हैं श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति, परमहंस महाराज श्री जोहरदास महाराज जी कृत पैराग्राफ सर्वहंस, इनके माध्यम से पूछ कुसर ताल की अलौकिक शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सर्वहांस 128 आए हैं, दो घाटों के बीच में 31 हांस आए हैं। पूछ कुसर में घेर कर 128 हांस शोभायमान है। हांसों की शोभा ऐसे घेर कर 128 पहल 128 हांस कहें शोभायमान है, और दो घाटों के बीच में 31 हांसों की शोभा आई है। कोच कोसर के चोरस पाल पर चार घाट आए हैं। चोरस पाल के पहले हिस्से में पूर्व दिशा में 16 देरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देरी का घाट। 16 देरी और 13 धीरे की घाट के बीच में देखेंगे 31 हांस की शोभा है। इसी तरह से 13 धीरे के घाट और झुंड के घाट के बीच में भी देखेंगे 31 हांस आए हैं। दो घाटों के बीच में 31 हांस आए हैं। चार दिशा के चार हांस में चार घाट आए हैं। कुल हांस बताए 128। चार दिशा में जो चार घाट आए, एक एक हांस उन्होंने लिया और दो घाटों के बीच में 31 हांस, तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 128 हांस। 124 हांस चारों तरफ की और चार हांस में चार घाट चारों दिशा में आए हैं। आगे शोभा है, एक हार वृक्षों की ढलकती पाल की किनार अर्थात चोरस पाल की बाहरी किनार पर आई है। वृक्षों की एक हार ढलकती पाल की किनार पर संक्रमित सीढ़ियां चढ़ते ही वृक्षों की पहली हार घेर कर आई है। वृक्ष से वृक्ष की दूरी 500 मंदिर की आई है और पांच वम छठी चांदनी के ये वृक्ष। एक हार वृक्षों की ढलकती पाल की किनार अर्थात चौरस पाल की बाहरी किनार पर आई है। दूसरी हार इन वृक्षों की 250 मंदिर की दूरी पर आई है। तीसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर मध्य हांस में आई है। दूसरी हार देखते हैं, पहली हार से 250 मंदिर की दूरी पर वृक्षों की दूसरी हार आई है। दूसरी हार से तीसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर आई है और ये वृक्ष हांस के मध्य भाग में आए हैं। इन एक हांस के मध्य भाग में इन वृक्षों की शोभा आई है। इन पिक्चर के माध्यम से देखें, संक्रमित सीढ़ियां चढ़ते ही चोरस पाल की बाहरी किनार पर वृक्षों की पहली हार, इन वृक्षों की हार से 250 मंदिर की दूरी पर दूसरे वृक्षों की हार, पुनः 250 मंदिर की दूरी पर तीसरे वृक्षों की हार, और हांस के मध्य भाग में ये वृक्ष आए हैं।
इन पिक्चर के माध्यम से शोभा देखती है संकनक सीढ़ियां चढ़कर। जब चोरस पाल पर आती है तो किनार पर ही पहली हर वृक्षों से दूसरी हर वृक्षों में 250 मंदिर का अंतर, दूसरी हर वृक्षों से तीसरी हर वृक्षों के बीच में 250 मंदिर का अंतर आया है। महर्षि जी आगे शोभा दिखला रहे हैं। एक वृक्ष से दूसरे हांस के वृक्ष तक 500 मंदिर का अंतर है। ये जो वृक्ष आए हैं तीन हार चौरसपाल पे हांस के मध्य भाग में आए हैं। तो एक वृक्ष से देखते हैं दूसरे हांस के वृक्ष तक, तो इनके बीच में 500 मंदिर का अंतर है। इन शोभा को ऐसे भी समझ सकते हैं कि घेर कर जो ये वृक्ष आए हैं, वृक्ष से वृक्ष की दूरी 500 मंदिर की आई है, और ये वृक्ष हांस के मध्य भाग में शोभायमान है। आगे शोभा का वर्णन है। तीसरे वृक्ष के आगे दो धेरी के बीच में 250 मंदिर का चौक आया है। तीसरे वृक्ष के दाएं बाएं 125 मंदिर की दूरी पर देरी के थंब आए हैं। तीसरे वृक्ष की शोभा देखते हैं। इन तीसरे वृक्ष के सामने दो देरियों के मध्य 250 मंदिर का चौक आया है। इन वृक्ष से दाई तरफ देखिए, बाई तरफ देखिए, 125 मंदिर के अंतर पर इन देवरियों के थंब आए हैं। नक्शा जूम करके पुनः इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। तीसरे वृक्ष का निशान, इन वृक्ष के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक दो देवरी के मध्य का। तो इन वृक्ष के दाएं तरफ देखिए, बाईं तरफ देखिए, 125 मंदिर की दूरी पर इन देवरियों के थंब आए हैं। इन 250 मंदिर की चौक के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर नीचे रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके दाएं बाएं से 62 62 मंदिर की सीढ़ियां चांदी के ऊपर जाने के वास्ते बनी है। सीढ़ियों की दाएं बाएं तरफ जो दीवार है, सो ताल तरफ की दीवार कमर भर जितनी ऊंची आई है, और दीवार पर कांगरी ऊपर तक चली गई है। इसी तरह से सामने की सीढ़ी की बनक आई है। वृक्ष के आगे, तीसरे वृक्ष के आगे जो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है दो देरी के मध्य का, इन चौक के आगे देखते हैं भूम भर नीचे। इन चौक से भूम भर नीचे देखेंगे, इन ताल रोज से कमर भर ऊंचा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा होगा। इन चबूतरे की दोनों तरफ से 62 62 मंदिर की जगह लेकर सीढ़ियां इन चांदों पर चढ़ी हैं। देहरियों के ठीक सामने जो चांदी की शोभाई है उन पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। इन पिक्चर के माध्यम से शोभा समझने का प्रयास करते हैं। तीसरी हार के आगे दो धेरी के मध्य का जो 250 मंदिर का चौक आया है, और इन वृक्ष से दोनों तरफ देखते हैं 125 125 मंदिर की दूरी पर इन देवरियों के थंब आए हैं। अब ये जो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, इनसे भूम भर नीचे जल रोज से कमर भर ऊंचा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ। इन चौक से 62 62 मंदिर की जगह लेकर सीढ़ियां इन चांदे पर चढ़ी हैं। दोनों तरफ से देखेंगे सीढ़ियां चढ़ती हुई। पुनः शोभा को महाराष्ट्र जी के वचनों से, तीसरे वृक्ष के आगे दो धेरी के बीच में 250 मंदिर का चौक आया है। तीसरे वृक्ष के दाएं बाएं 125 125 मंदिर की दूरी पर देवरी के थंब आए हैं। इन 250 मंदिर के चौक के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम पर नीचे रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा।
जिसके दाएं बाएं से 62-62.5 मंदिर की सीढ़ियां चांदी के ऊपर जाने के वास्ते बनी हैं, और सीढ़ियों की दाएं बाएं तरफ जो दीवार है सो ताल तरफ की दीवार कमर भर ऊंची आई है। ताल तरफ की जो दीवार आई है उनमें कमर भर ऊंचा कठेड़ा आया है। दीवार पर कांगड़ी की शोभा आई है, इसी तरह से सामने की भी बनक आई है। आमने सामने जो सीढ़ियां चढ़ रही हैं, इसी तरह से दोनों में ताल तरफ कठेड़े की शोभा आई है। आगे शोभा है, दो सीढ़ियों के बीच में चौक आया है। चौक 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा आया है। अभी शोभा देखी थी कि जो तीसरा हार वृक्ष आया है उनके सामने दो देहरियों के मध्य 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। इन चौक से भूम पर नीचे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा हुआ ताल रोड से, इन चबूतरे से दोनों तरफ से 62-62.5 मंदिर की जगह लेकर सीढ़ियां चढ़ी चांदे पर, तो 62-62.5 कुल 125 मंदिर में सीढ़ियां चढ़ गई, तो हमारे पास जगह रह जाती है 125 मंदिर की तो चौड़ाई और लंबाई 250 मंदिर की। इन्हें करने नक्शे में भी देखते हैं। साढ़े बासठ मंदिर में सीढ़ियां चढ़ी चांदी पर, यहां जगह अब रह जाती है 125 मंदिर की तो चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी। अब इन स्थान पर क्या शोभा रहेगी? चौक 250 मंदिर का लंबा 125 मंदिर का चौड़ा आया है। इस चौक की कोना पर चार थंब आए हैं जिन पर चार मेहराबे आई हैं। एक मेहराब 125 मंदिर की ताल तरफ, दूसरी तरफ एक मेहराब 125 मंदिर की पाल की मोहलात तरफ, दो मेहराबे दाएं बाएं 250-250 मंदिर की, ये मेहराबे सीढ़ियों के ऊपर आई हैं। इन चारों मेहराबों के ऊपर छत पाल के बराबर आई है। अब यहाँ पर चारों कोनों पर सुंदर नूरमयी शोभा लिए थंब उठते हैं। इनकी मेहराबों पर एक छत, ये छत चौरस पाल से मिलान कर लेती है। अब इनमें एक मेहराब तो ताल रोज पर, एक मेहराब 125 मंदिर की चौड़ी पाल अंदर मोलातों पर, 250 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की लंबी इस तरफ, ये दो मेहराब भी सीढ़ियों के ऊपर आई हैं। इन चारों मेहराबों के ऊपर छत पाल के बराबर आई है। ये छत 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी आई है। चारों थंबों पर जो चांदनी हुई चौरस पाल के बराबर, ये चांदनी 125 मंदिर की तो चौड़ाई लिए है, लंबाई 250 मंदिर की। इन चांदनी से चौरस पाल पर दौड़ते हुए जा सकती है, और तीन तरफ कठेरे की शोभा और कठेरे के साथ साथ सुंदर कांगरे की शोभा, जिसके तीन तरफ कठेड़ा आया है, दो तो सीढ़ियों तरफ और एक ताल तरफ कठेड़ा आया है। इन चार थंबों की छत पर मध्य भाग में 100 मंदिर की लंबी चौड़ी देवरी आई है। छत पर चार थंब आए, ऊपर गुम्बद कलश ध्वजा पताका सब आए हैं। ये छोटी देवरी हांस के मध्य भाग पे आई है। अभी चांदी की छत पर 100 मंदिर की लंबी चौड़ी देवरी आई, चारों कोनों पे चार थंब उठे, उन पर छत सुंदर देरी की शोभा कलश ध्वजा पताका, और ये देवरी हांस के मध्य भाग में आई है। ऐसी देवरी सब हांसों में आई है। ये देवरी चारों तरफ 124 आई है, चारों घाटों में चार देरी नहीं आई। घेर पर 128 हांस आए हैं, हांस के मध्य भाग में ये देवरी आई है, तो 124 देवरी आई है। चार हांस जो घाटों के हैं वहां पर इन देवरी की शोभा नहीं आई। इन पैराग्राफ के माध्यम से
मराज श्री जी ने शोभा दिखलाई कि जब ढलकती पालकी संक्रमित सीढ़ियां चढ़कर होम भर की सीढ़ियां चढ़कर चोरस पाल पर आएंगी तो पाल के बाहरी किनार पर वृक्षों की हार। नूरमयी शोभा लिए वृक्ष पांच भोग छठी चांदी के। इन वृक्ष से भीतर की ओर चलेंगे तो दूसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर, दूसरे वृक्ष से पुनः तीसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर आई है और ये वृक्ष हांस के मध्य भाग में आए हैं। सुंदर शोभा देखेंगे कि ढलकते पाल पर जो बड़ो वन के दो वृक्ष आए थे उनका मिलान पुखराजी रोज के वृक्षों से हुआ है और ये चोरस पाल पर बड़ो वन के जो तीन हार वृक्ष आए हैं इनका मिलान ढलकती पाल के वृक्षों से हुआ है। तो एकल छत्री मंडल तीसरी हार जो वृक्ष आया है उनकी सामने जो घेर कर 128 देहरियां आई हैं बड़ी, उन दो देहरियों के बीच का 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है। और इन वृक्ष के दाएं बाएं देखेंगे तो 125-125 मंदिर की दूरी पर बड़ी जो देहरियां आई हैं उनके थंब आए हैं। वृक्ष के सन्मुख जो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है उन चौक से भूम पर नीचे देखेंगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, ताल को घेर कर जो ताल रोस आई है उनसे तीन सीढ़ी ऊंचा। इन चबूतरे से 62-62 मंदिर की जगह लेकर दोनों तरफ से सीढ़ियां चांदों पर चढ़ी हैं। तो जगह रह जाती है 125 मंदिर चौड़ी और 250 मंदिर लंबी। यहां पर चार थंब उठती हैं, उनकी चांदनी पर सुंदर देवरी की शोभा होती है। 100 हाथ की लंबी चौड़ी देवरी हांस के मध्य भाग में ऐसे घेर कर 124 देवरियां आई हैं। चार हांसों में देवरी नहीं आई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यहाँ पर घाट आए हैं, यहाँ पर छोटी देवरी की शोभा नहीं आई। तो इस तरह से होसरताल 128 हांसों में शोभायमान, चार दिशा के हांस घाटों के, दो घाटों के मध्य 31 हांस की शोभा और जो तीसरी हर वृक्ष आए हैं इन वृक्षों ने देहोरी आगे कटीपाल की सीढ़ियां ताल रोस को उलंघकर जो भूज कोसर ताल आया है उनके जल चबूतरे पर अपनी शीतल छाया की है। अब इन शोभा को महाराज शिव जी के वचनों से श्रवण करते हैं। सर्वहांस, सर्वहांस 128 आए हैं, दो भाटों के बीच में 31 हांस आए हैं, चार दिशा में चार हांस चार घाट आए हैं, सब 128 हांस होते हैं। 124 हांस चारों तरफ के और चार हांस में चार घाट चारों दिशाओं में आए हैं। एक हार वृक्षों की ढलकती पालकी किनार अर्थात चोरस पाल की बाहरी किनार पर आई है, दूसरी हार इन वृक्षों की 250 मंदिर की दूरी पर आई है और तीसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर मध्य हांस में आई है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक 500 मंदिर का अंतर है, तीसरे वृक्ष के आगे दो देहरी के बीच में 250 मंदिर का चौक आया है, तीसरे वृक्ष के दाएं बाएं 125-125 मंदिर की दूरी पर देहरी के थंब आए हैं। इन 250 मंदिर की चोट क्या है? 250 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम व नीचे रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है जिसके दाएं बाएं 62-62 मंदिर की सीढ़ियां चांदी के ऊपर जाने के वास्ते बनी है। सीढ़ी के दाएं बाएं जो दीवार है तो ताल तरफ की दीवार कमर भर ऊंची आई है, दीवार पर कांगरी ऊपर तक चली गई है, इसी तरह से सामने की सीढ़ी में बनक आई है। दो सीढ़ियों के बीच में चौक आया है, चौक 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा आया है।
इस चूप की कोना पर चार थम्ब उठे जिन पर चार मेहराबे आई हैं। एक मेहराब 125 मंदिर की ताल तरफ, दूसरी एक मेहराब 125 मंदिर की पाल की मोहलाद की तरफ, दो मेहराबे दाएं बाएं 250 250 मंदिर की ये मेहराबे सीढ़ियों के ऊपर आई हैं। इन चारों मेहराबों के ऊपर छत पाल के बराबर आई है। ये छत 125 मंदिर की चौड़ी 250 मंदिर की लंबी आई है, जिनके तीन तरफ कठेड़ा आया है। दो तो सीढ़ियों तरफ, एक ताल तरफ कठेड़ा आया है। इन चार थंबों की छत पर मध्य भाग में 100 मंदिर की लंबी चौड़ी डिगड़ी आई है। छत पर चार थंब आए हैं, ऊपर गुम्बद कलश ध्वजा पताका सब आए हैं। ये छोटी ध्यूरी हाँस के मध्य भाग में आई है। ऐसी ध्यूरी सब हाँसों में आई है। ये ध्यूरी चारों तरफ की 124 आई है। चारों घाटों में चार ध्यूरी नहीं आई। ये वर्णन हुआ सर्वहांस आगे शोभा है 128 ध्यूरी का बयान। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सत्य साहब जी।